जब सबसे पहले ये सुली डील्स का मामला आया था, जहाँ पे एक वेबसाइट के माध्यम से महिलाओं की नीलामी हो रही थी, महिलाओं की फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करके, खास करके कम्युनिटी को टारगेट करके कम्युनल टारगेटिंग हो रही थी, उनके बारे में अश्लील बातें हो रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जा रहा था, तो मैंने इसके बारे में आईटी मिनिस्टर को लिखा था 30 जुलाई को, फिर 6 सितंबर को रिमाइंडर भेजा था, जिसका जवाब मुझे 2 नवंबर को मिला, जहां पे उन्होंने कहा कि इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुल्ली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएँ जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है, एंड मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। आई एम ग्रेटफुल टू द डीजीपी महाराष्ट्र एज वेल एज पुलिस कमिश्नर मुंबई हु हैव टेकन दिस अपॉन अ प्रायोरिटी, एंड इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इसके पीछे हैं, जो इस तरीके के अश्लील काम कर रहे हैं, उन पर किसी न किसी तरीके की सख्त कार्रवाई होगी।